आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल पे। तो भंडारा बहुत अच्छे से हो गया था और भंडारा ख़त्म होने के बाद मैं, मम्मी और तन्वी और दीपू भैया हम सब ने और भैया सब ने मिल के सारा चीज़ ओरियाया। उसके बाद हम लोग घर पे आए और उसके बाद भी ना काफ़ी लोग आ जा रहे थे कि हमें दे दो, तो फिर सबको थोड़ा थोड़ा जो भी बचा हुआ था, मतलब बहुत अच्छे से सारी चीज़ें निपट गई और बहुत खुशी खुशी हमने सारी चीज़ें की। स्पेशल सबसे चीज़ बताई क्या थी, जो हमारे कुरियर भैया जो रोज़ ले कर आते हैं ना कुरियर्स, उनको भी यहाँ पर हम लोग दिख जा रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि अरे आप यहीं पे ले लो कुरियर, और हमने फिर बोला आप भी भंडारा खा के जाओ, तो बहुत अच्छी थी। ये भैया आए थे तो फिर इनको निकाल के दिया था भंडारा। चलो सो गाइस, फाइनली पैकअप हुआ, हमारी माता रानी का विदाई हुआ है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा चीज़ हमने वाइंड अप करके और हम जा रहे हैं घर। बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत रोना सा आ रहा है क्योंकि इतना सब कुछ धूमधाम से चल रहा था। और ये देखो हमारी तन्वी जो पूरा काम वाली भाई बन चुकी है, साड़ी लपेट उपेट के। मैं तो आई नहीं, कौन बता, बैठ सिलेंडर हो गया ना सब अच्छे से। खुश हो? बहुत खुश। तो बहुत खुश हो, आपके दोनों बेटों ने मिलके कर दिखाया ना। क्या कर दिखाया? मतलब इन्होंने शरीर से कितनी मेहनत नहीं की हमें दोनों ने, वो ही करवाती है। हाँ, अपने मर्जी से नहीं कर सकते कोई भी मेहनत। मैं तो एक दिन उठने वाली नहीं हूँ, 8 बजे उठती थी रोज। लेकिन मम्मी बहुत दुख भी हो रहा है ना, कल से सुना सुना सा नहीं लगेगा थोड़ा, अब घर अजीब सा लगेगा। ऊपर जब आप लोग सब लोग नीचे आ गए थे ना, तो मैं ऊपर पूजा करने कुछ लेने गई, सामान इतना भक भक लागत रहा। तो आज विदाई होता ना। हाँ, बहुत अजीब सा लग रहा था। सब पर सारा पंडित जी रखो, खोइछा रखे थे, खोइछा वाला तो मैंने नहीं देखा, मुझे शायद मैं वहाँ चली गई थी गार्ड को। सो गाइज, माता रानी की हो गई है विदाई और माता रानी जाते जाते मुझे बहुत बड़ा तोहफा देके गई है मेरे 5 लाख मुझे लग रहा था कि दिवाली तक होगा तो तारा में ये है सेंट पाला। सो गाइज, मैं और ये आए हैं मेरे घर का प्रसाद लेके आधे रास्ते देने के लिए, और मुंह देखो हमारा ऐसा हो रखा है जैसे कि बस बेड मिल जाए और सो जाए। विक्की आ रहा है, वो लेके जाएगा, हम आधे रास्ते आ गए, आधे रास्ते वो आएगा और प्रसाद लेके जाएगा ताकि मेरे घर वाले भी खा लें प्रसाद। माता रानी का इतना बड़ा दिन है और माता रानी ने अपना स्पेशल आशीर्वाद हम पे बनाया है। और कितने होने वाले हैं? 5 मिलियन कहाँ हो रहे हैं अभी, लाख 5 लाख और मेरे पति रियल का। सो गाइस, फाइनली होने वाले हैं मेरे 5 लाख, वो भी बहुत स्पेशल दिन, बहुत खुश हूँ मैं। अभी जैसे मैंने फ़ोन खोल के देखा तो कितना हो गया था डिनर अभी ना, और हो गया था मेरा, मतलब होने वाला था, बहुत जल्दी होने वाला था, बस थोड़ी देर में मेरे को लगता है हो जाएगा। अब मैं भागते हुए जाऊंगी माता के दरबार क्योंकि ये सारी जो देन है वो सिर्फ माता रानी की देन है। सो गाइस, फाइनली 4996 5 4996 5। ये उसी दिन की क्लिप है, ये है अष्टमी के दिन की क्लिप, जब कीर्तन था उस टाइम रात की 10 बजे की, जब मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। मैंने सोचा था कि नहीं दिवाली तक होंगे, लेकिन माता रानी ने जाते जाते मुझे इतना प्यारा आशीर्वाद दे के गई, मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर करा दिए और मेरे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ वेट कर रही थी और मेरी खुशी आपको अभी दिख जाएगी कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी माता रानी अपना इतना कृपा मुझ पर बनाएंगे कि इतनी जल्दी 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती, हटो ना बेटा, बेटी का हाथ है नहीं,
सबसे पहले मेरे पति का हाथ है, उसके बाद में किसी का हाथ बोलूंगी, और उससे पहले मेरी माँ का हाथ है क्योंकि उन्होंने मुझे टिकटॉक पे स्टार्ट किया था कि तू वीडियो बना, और उसके बाद मेरी सास का हाथ है क्योंकि मेरी सास ने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया था, वरना फिर नहीं कर पाती, और मेरे पति का साथ। ₹5,00,000 हो गए। चाची के 5,00,000 हो गए। वो आके पहले ही बताइला सा। हां काउंट कर रहे थे ना मेरे साथ बीच में। कांग्रेचुलेशंस। ये ऐसे डर ये भाई। जी। भले ही वो धनी में भैया का क्या है? 5,00,000 हो गया। आधा सेंचुरी बस 5,00,000 कम है। गोल्डन बटन। तीन है ऐसे गोल्डन आ गया, गोल्डन आ गया। उसने डर और उसको अभी वो बाबू डर गए माला एकदम से चिल्लाई ना इसलिए डर गए। कुछ नहीं पापा जी तो नीचे ही है, पहले मम्मी के पापा पापा के यहाँ से ही डर गए यहाँ पे लगना ही है माला सुनिए एक ही तो नहीं वो मेरा कॉम है लोगों ने यही सब मिला तो हम सोचते हैं मैं कीर्ति के साइड में तो उसी देखिए 5,00,000 हो गए हमारे जनता मुआ करे नहीं हुई मैं तो क्या मुझे हाँ 5,00,000 लोग अब हमरा के देखेला ऐसे कहो के पूछ ली कि 5,00,000 रुपए हो गए 5,00,000 रुपया ना मिलेला 5,00,000 लोग देखेला हां दी कन्या आशीर्वाद तो भी 5,00,000 और ही बढ़ जाओ हां भगवान की छोड़ पे जाए कर दो ना ई कहे कि जब ले हम जी तले हमार जल्दी 5,00,000 हो जाओ कि 10,00,000 हम देख के मुई निक्की के 10,00,000 हो जाए तब हम हुए का देगा दिखाना उसमें बाबू उसमें है जी हाय देखी 5,00,000 और ही हो गए YouTube पर ना वो तीन दिन भाई ना इंस्टाग्राम पर भी रहे अब YouTube पर 5,00,000 हो गए कुछ भाई नहीं अब जब 10,00,000 हो जाएगा तो सिल्वर प्ले बटन आई अमेरिका से अब इधर मेरे माँ बाप भी जल्दी से खाने खाए संगीता मासी पूरा क्लिप तो देखी है वीडियो कॉल से यही सच्चा उधर भी होता है कौन सा सर संभाल के उसने बनेगा बाबू अच्छी कहे कि ये तेरे बाबू 5,00,000 हो गए हाँ पापा कहाँ हैं शुक्रिया शुक्रिया पापा कहाँ हैं ठीक है भाई सारा भूजा पर सब कुछ कंप्लीट हो गया और अभी बारी आती है पूरा घर बहुत ज्यादा फैला है देखो पहन पहन के साड़ियाँ ये देखो अलमारी में मेरे कैसे घुसा दिया है बस जल्दी जल्दी अब मैं ये सारी चीज़ें सुबह से लगी हुई हूँ सबसे पहले सुबह उठते ही सारा घर क्लीन किया फिर सारे वॉशरूम बिल्कुल अच्छे से चमकाए और अभी मैं नहा के आई हूँ और अपना ये सब ठीक करूँगी क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है मुझे मेरे घर जाना है करवा चौथ के लिए क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ससुराल में कोई नहीं करता है तो
तो मैंने उसके बाद सुबह उठी और सुबह से उठ के सिर्फ मैंने आज क्लीनिंग की, सारी साफ़ सफाई की है। उसके अलावा मैंने आज कुछ भी नहीं किया सच बताऊँ तो। सारा अलमारी, सारा घर, सब कुछ ठीक ठाक किया है। एंड आपको पता है गाइस, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि बस क्या ही बताऊँ। और ये जो आपने मेरा एक्सप्रेशन देखा, उसे ओवर एक्टिंग कर लो कह लो या रियल कुछ भी कह सकते हो आप, जो आपका मन करे, लेकिन सच बताऊँ इतनी खुशी हुई ना मुझे कि वो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। और जब मैं ज़्यादा खुश होती हूँ तो मैं ऐसे चिल्लाती हूँ। हाय गाइस, तो फाइनली सारे काम निपट गए और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। घर क्लीनिंग, सारे कपड़े लत्ते सब धुल गए, क्योंकि अभी इन 8-9 दिनों में ना धोया होया कुछ नहीं था सच बताऊँ तो। कोई भी कपड़े वगैरह नहीं धोए थे, सिर्फ पहना उतारा और रखा हुआ था, ये वाला हिसाब था। अभी सारा धो वो दिया और अभी तय लगाने के लिए मैंने आपको दिखाया, ये सारे कपड़े सूखते जा रहे हैं, अभी तय लगाना है। ये सबसे ज़्यादा हैवी काम है अभी का। एंड आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, वो जो भी आपने देखा वो रियल एकदम से ओवर एक्साइटमेंट बोल लो, वो सडन निकल के आया था, वो सारी चीज़ें थी। एंड यहाँ तक पहुँचाने के लिए सबसे ज़्यादा थैंक यू आप सभी का, मुझे जो नेगेटिव बोलते हैं उनका भी, जो मुझे पॉजिटिव बोलते हैं उनका भी, क्योंकि नेगेटिव लोग नहीं होते तो शायद इतनी जल्दी और वायरल नहीं हो पाते हम। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो एक ब्लॉग को 10 बार देखते हैं या 5 बार तो देखते हैं कुछ नेगेटिविटी ढूंढने के लिए, और इसीलिए शायद भगवान का साथ, आशीर्वाद और माता रानी का इतना बड़ा उपकार कि उन्होंने अपने इतने पावन दिनों में मेरे को इतनी बड़ी अचीवमेंट दी। बहुत सारे लोग कहते, दीदी आपने सेलिब्रेट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, सेलिब्रेट नहीं किया। सेलिब्रेशन तब होता है जब ऐसी सिचुएशन है, मतलब हर दिन ही हम सेलिब्रेट कर रहे थे और इस बार कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया। माता का कीर्तन था हमारे घर, अगले दिन भंडारा था, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या सेलिब्रेशन हो सकता है। कि बस मैं सबको चिढ़ा भी रही थी कि मतलब देखो कितना अच्छे टाइम पे हुआ, एक दिन पहले पूजा पाठ से एक दिन पहले, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक ना मैंने ऐसे लास्ट किसी वीडियो में बोला था, हाँ हम लोग ऐसे मजाक कर रहे थे, देखो 5 लाख हो गए उसकी खुशी में पार्टी, तो किसी ने कमेंट किया था कि देखो कितना भाव खा रही है, 5 लाख रुपए लग गए ये बता रही है। वरना देखो ध्यान से नहीं सुनते हैं कि मैंने बोला क्या, और 5 लाख रुपए का कौन भंडारा होता है भाई, इतना भी नहीं होता है जो कुछ भी। सो बस ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं ऐसे और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ।
और क्या कितना कैसे ये सब मुझे नहीं लगता है बताने की ज़रूरत है। और बस सब कुछ अच्छे से हो गया, ये सबसे अच्छी चीज़ है। बहुत खुशी खुशी सारी चीज़ें हो गई हैं। नानी जी इधर सो रही हैं, नानी जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नानी जी की एज का ऐसा हो गया है ना कि जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तब उन्हें लगता है कि जा नानी जी जा, ऐसा वाला हिसाब हो गया। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज है दशहरा, शाम को शायद हम सब घूमने जाएं दशहरा मेला वगैरह, बाकी देखते हैं, बच्चों को तो लेके जाएंगे। सो गाइज, उसके बाद मैं लग गई अपना ये जो अपने कपड़ों का भंडार देखा है इसको क्लीन करने में। बाकी तो सब कुछ हो गया, बस ये क्लीन कर लूँ, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पैकिंग करूँगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब करवा चौथ सीरीज स्टार्ट होने वाली है मेरे चैनल पर, करवा चौथ का व्रत जो रखना है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने मेरे ब्लॉग्स, नवरात्र ब्लॉग्स, इन सारे ब्लॉग्स को इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया और बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आए हैं, बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, दिल से थैंक यू, बाय, लॉट्स ऑफ लव। ज़रूर करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख